रचित रचित स्कूल के लिए खड़ा हो, तैयार हो, जल्दी तेरे को स्कूल जाना है। अरे उठ जाना, टाइम देख कितना हो गया है। मम्मी 5 मिनट और सोने तो बहुत ठंड हो रही है। स्कूल जाना है तेरे को, खड़ा हो फटाफट से, फटाफट उठ के स्कूल चला जा। उठ रहा हूँ। क्या यार, मम्मी ठंड में सोने भी नहीं देती, जब भी उठा देती है। अब कंबल में बैठ के कांपता रह गया, स्कूल के लिए तैयार भी होगा। जल्दी से उठ जाओ, स्कूल चला जा। जा रहा हूँ, हो रहा हूँ रेडी। सर्दी आई है, हवा चली है, तापमान नीचे गिरा है। अरे बावले, ना के कौन कंबल में बैठता है। अरे मम्मी बाहर कितनी ठंड है, आपको पता नहीं है क्या? थोड़ी देर कंबल में बैठूंगा ना, शरीर में गर्मी आ जाएगी। स्कूल का ना टाइम होने वाला है, थोड़ी देर में मेरे को बाहर मिल जा जल्दी। Few moments later. है? ये क्या है? स्कूल जा रहा हूँ मम्मी। अभी तक तो तू रजाई में से नहीं निकल रहा था, अभी तो तेरे को कपकपी चढ़ी हुई थी, और अब आके तू ऐसे शर्ट में खड़ा हो गया, ऐसे स्कूल जाएगा तू? अरे वो तो मम्मी सुबह सुबह की ठंड थी, स्कूल में थोड़ी ना ठंड लगती है। देखो जैसे शादियों में लड़कियों को ठंड नहीं लगती ना, ऐसे स्कूल में हम लड़कों को भी ठंड नहीं लगती। अरे मम्मी समझाओ अपने लड़के को, जैसे गधे के 2.5 दिन आते हैं ना, वैसे भी इस गधे के 2.5 दिन आ गए हैं जवानी के। चुप कर तू। और हाँ, तू ऐसे कैसे स्कूल जाएगा? हाँ तो तू ये स्वेटर पहन के स्कूल जाएगा? मम्मी मैं कोई स्वेटर नहीं पहनने वाला, सेकंड पीरियड के बाद ना पूरे शरीर में खुजली स्टार्ट हो जाती है। ऐसे कैसे नहीं ये स्वेटर पहनेगा? स्वेटर के साथ साथ ये टोपा भी पहनेगा तू? मम्मी मैं कोई टोपा वोपा नहीं पहनूंगा, इतनी मुश्किल से बाल सेट कर रहे हैं, खराब हो जाएंगे, मैं नहीं पहन रहा। हाँ तो तेरे को कौन सा मॉडलिंग करनी है, स्कूल में जाना है ना, चुपचाप ये पहन ले। नहीं पहनूंगा। ऐसे कैसे नहीं पहनेगा? बोल दिया ना नहीं पहनूंगा। ऐसे कैसे नहीं पहनेगा तू? बोल दिया तो नहीं पहनूंगा। अच्छा नहीं पहनेगा तू? नहीं पहनूंगा। पहनेगा तू ये? कोई हमसे गंदी ओला तो नहीं है। हाँ अब लग रहा है ना मेरा राजा बेटा, अब जा अच्छे बच्चों की तरह तू स्कूल। चल चल बाय। मौसम हुआ है ठंडा, मौसम हुआ बर्फीला। भाई हम ना एक काम करते हैं, हम जल्दी जल्दी स्कूल चलते हैं, अगर हम लेट हो गए ना तो ये पीटी फिर से बहुत ज्यादा मारेगा, है ना भाई? सही कह रही हूँ ना भाई? भाई अरे भाई कहाँ चला गया? अरे यार ये कुत्ता कभी ना कहाँ गायब हो गया, भाड़ में जाए। मैं तो जा रही हूँ स्कूल, आता रहेगा खुद ही। ओए वो देख, वो रचित है ना? रचित? अबे कौन रचित, मैं तो आशीष भंडारी हूँ। भाई मुझे ना पक्का बताया वो रचित ही था। अरे भाई अगर वो रचित होता तो वो था झाड़ियों में क्या कर रहा था? हाँ भाई क्या हाल है? अबे तू तो भी झाड़ियों में था ना, और तूने टोपा भी पहना था। मैं झाड़ियों में? अबे क्या बकवास कर रहा है, बुलशिट। मैं झाड़ियों में क्या करूंगा, अबे कोई और होगा, और टोपा मैं पहनूंगा। अबे टोपा चोमू बच्चे पहनते हैं, चोमू बच्चे, मैं टोपा क्यों पहनूंगा? तुम्हें तो पता है मैं तो स्कूल का बैड बॉय हूँ, बैड बॉय। अच्छा अभी स्कूल चल लेते हैं, चलो वरना लेट हो जाएंगे, आ जाओ। सो गाइस वीडियो को मैं अभी रोक रहा हूँ, और थोड़ी आपसे एक बहुत जरूरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। बात यह है कि एक प्यार सा बच्चा कनव, ये इसके मम्मी डैडी हैं, ये मेरे पास आए हैं हेल्प मांगने के लिए, और मैं आप लोगों से भी हेल्प मांग रहा हूँ। बच्चे को एक बहुत घातक बीमारी है SMA, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, और उसके लिए 17 करोड़ रुपए चाहिए इलाज के लिए। देखो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोग सपोर्ट करो इनको, डोनेट करो इनके लिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने UPI बैंक अकाउंट और ये ऑनलाइन फंड रेजर भी, उसकी भी मैंने आपको लिंक दे दिया है, वहां पे के डोनेट करो, 100, 50, 1000 जैसा भी आपका बने, प्लीज डोनेट करो, बच्चे की हेल्प हो जाएगी यार, बच्चा बच जाएगा, 10 महीने का है बस, तो प्लीज यार हेल्प करना। हम मिडिल क्लास फैमिली होने के कारण हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसका इलाज करा पाए, इसलिए हम आपके पास आए हैं आपसे मदद मांगने के लिए। आप हमारी मदद कीजिए हमारे बच्चे की जान बचाने के लिए, इस खूबसूरत दुनिया को ये मेरा बच्चा देख पाए। शेयर करना वीडियो को, ठीक है, ताकि और लोगों तक पहुंचे, और शेयर के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेयर कर रहे हो, डोनेट भी जरूर करना प्लीज।
अब एक मिनट स्कूल के गेट पे देखियो क्या भसड़ मच रही है। अंकल खोल दो ना, लेट हो जाएंगे। मैं जाके देखता हूँ यार एक बार। अंकल प्लीज खोल दो, लेट हो जाएंगे। अंकल खोल दो ना, पीटीआई बहुत मारेगा। अंकल खोल दो ना, वैसे ही लेट चल रहे हैं हम। प्लीज अंकल प्लीज खोल दो, बहुत ठंड लग रही है, इतनी देर से खड़े हैं हम लोग। गेट खोल दो। तुमने पता नहीं कितनी ठंड हो रही है, ऊपर से कुंडी इतनी ठंडी है, अगर मैंने इसको हाथ लगाया ना तो मेरी भी कुल्फी से जम जाएगी। अंकल खोल दो प्लीज, हम भी बहुत देर से खड़े हैं, हमें भी ठंड लग रही है। अंकल टीचर डांटेगी, खोल दो ना। नहीं खोल रहा मैं गेट, मेरी मर्जी होगी ना मैं जब भी खोलूंगा, तुम्हारे चक्कर में यहाँ पे ठंड जमवा लूं, थोड़ी गर्मी आने दो फिर खोलूंगा। अरे क्या प्रॉब्लम हो रही है? अरे भाई देखना, अंकल ना गेट नहीं खोल रहे, हम इतनी देर से खड़े हैं, बहुत ठंड लग रही है, बहुत लेट हो रहा है। अंकल खोल दो ना, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो बहुत है, ठंड दिख ना रही तुम्हें। अंकल आपको पता है ना फिर पीटीआई मारेगा हमारे। पीटेगा तो मैं क्या करूं यार, मैं ना खोला, चलो यहाँ से। अंकल एक जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है? सुंदरी बीड़ी। ये जुगाड़ पहले दे देता तो बात बन जाती। अब तो खोल दो। अरे अब तो खोल ही दूंगा, अब तो शरीर में गर्मी आ जाएगी। चलो ये चलो जल्दी जल्दी। हाँ भाई माचिस तो दे जाता। मैडम कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, बस ठंड बहुत ज्यादा हो रही है ना। ठंड तो और रखी मैडम, कहूँ तो चाय मुट्ठी मंगा दूँ। नहीं नहीं सर कोई बात नहीं, ऐसे ही ठीक है। मैडम नया शोल आ? मैडम एक बात बोलूं, आप बिना शोल के टिच लगते हो। थैंक यू सर। वैसे एक काम करिए, आप ये सब छोड़िए और जाके बच्चे संभालिए। अरे मैडम कहाँ हुई हमारी शादी, कहाँ हमारे बच्चे, किसको संभाल लूं मैं? सर हमारे बच्चे नहीं, स्कूल के बच्चे जो प्लेग्राउंड में खेलने आए हैं, जाइए। अरे कभी झूठ भी बोल दिया करो, बच्चे हमारे। जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। स्कूल में ये दो चोटी बना के कौन आता है भाई? अरे सर दो चोटी स्कूल में ही तो बनाते हैं। ठीक है राइट राइट, चल क्लास में जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे बेटा कॉलर खड़े कर रखे हैं, लेडी डोन बनोगे? वहां चल, साइड में खड़ी हो जा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सर बहुत बढ़िया। अच्छी ड्रेस है, प्रेस भी कर रखी है। ये टाई बाहर क्यों है? हाँ सर वो जल्दबाजी में अंदर करना भूल गई। एक काम कर, तू बाहर निकल। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अरे सर आज तो आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो। सच में? तू बेटा एक काम करो, आप सीधे क्लास में जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। और तुम्हारे पड़ोसी वड़ोसी सब ठीक हैं? सब बहुत अच्छे। ड्रेस तो बेटा बिल्कुल ओके है। बेटा आपको कैसे निकालूं? सर मैं तो बिल्कुल शरीफ हूँ और मेरी ड्रेस भी कंप्लीट है। हाँ हाँ चल क्लास में, आज नहीं तो कल फंसेगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ अभी बागड़ बिल्ले आ गया। हाँ भी बागड़ बिल्ले, तेरे एक हाथ में ग्लव्स है एक हाथ में नहीं है, क्या चक्कर है? सर कल चोरी हो गया था क्लास के अंदर बैग में से। अच्छा सोने का था वो, हैं? ज्यादा बकवास करता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड। टाई भी है, अरे पूरी ड्रेस में है तो इसको कैसे फंसाऊं? अरे फाइन तो लेना ही है। इधर ये कान का मेल साफ कौन करेगा? हेड बदल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम्हारे बैग कहाँ भाई? भूल गए सर। भूल गए? खाना खाना नहीं भूलते हैं? तुम साइड में चलो। अरे सर हम तो आपके पास ट्यूशन पढ़ते हैं, फिजिकल एजुकेशन का। अरे बेटा तुमने पहले क्यों नहीं बताया, भूल गया था मैं। तुम जाओ क्लास में जाओ।
पूरी शरारत करनी है। सर गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। स्कूल में गोविंदा हो रखा है। सर प्लीज वो चश्मा दे दो, गर्लफ्रेंड ने जन्मदिन पे गिफ्ट में दिया था। गर्लफ्रेंड? वो भी इस उम्र में? अरे मेरी अभी तक नहीं बनी है, है? सर मेरी क्या गलती है उसमें? तेरी स्वेटर कहाँ है? सर स्वेटर वो पिछले साल वाली तो छोटी होगी, अभी इस साल नहीं लेनी है। ज्यादा एंडी मत बना मेरे आगे, ठीक है? साइड में चला जा, चल साइड में खड़ा हो जा। गुड मॉर्निंग कौन करेगा? गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, कैसे आना हुआ? अरे सर जी देखो ना, हम पे तो ग्लव्स भी है और टोपा भी है और ये देखो बैग भी है और ना हम पे स्वेटर भी है, सब चेक कर लो, हम सब पहन के आए हैं आज। अच्छा भाई तुम्हें मैं चेक नहीं करूंगा, तुम्हें तो डॉक्टर चेक करेगा। अबे ये अपने स्कूल का टोपा तो नहीं है? बेटा अपने स्कूल में रहना तो अपने स्कूल की टोपी पहननी पड़ेगी, साइड में चला जा। सर जी कल पहन के आ जाऊंगा। कल पहन आएगा? सारे निकम्मे निकट्टू हमारे स्कूल में भरे पड़े हैं। एक काम करता हूँ, इनसे फाइन लेता हूँ। ना 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 ना, अगर मैंने फाइन लिया, इन्होंने मेरे को पैसे दिए, किसी ने वीडियो बना ली और मैं वायरल हो गया तो नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा लोकेश। एक काम करता हूँ, मेरी घरवाली मेरे को बहुत परेशान करती है, उसका सारा गुस्सा ना आज इन पे उतारता हूँ। इनको ऐसा परेशान दूंगा इनको नानी याद आ जाएगी। डंडा कहाँ गया? कहाँ गया ये? बीड़ी तो दे गया, मार्चिस लाइटर तो देके ना गया। ये बैठा और हम लोग के पीछे डंडा दे। सर बीड़ी पियोगे? बीड़ी? अब खेलूंगा इनके साथ मैं डांडिया। यार सर ने तो हमें लाइन से ही बाहर निकाल दिया, अब पता नहीं क्या होगा। अबे लाइन से निकाल दिया, मेरा तो चश्मा ले गया, ट्यूशन वाली बंदी ने दिया था, इतनी मुश्किल से तो बंदी बनी है यार। बंदी? वैसे मैं कैसी लग रही थी आज? तू बकवास है, तू इतनी खास नहीं है। ए लड़की हाथ आगे कर। ओ लंगूरो तुम सारे के सारे अपनी तशरीफ आगे करो। सर प्लीज ऐसा मत करो, हम आगे से ध्यान रखेंगे। सर ठंड में डंडा बहुत तेज लगेगा सर। अब ऐसे कैसे नहीं मारूं? जब तक तुम्हारे कुल्लू पे डंडे नहीं पड़ेंगे ना, तुम्हारे शरीर के अंदर गर्मी का संचालन कैसे होगा? हैं बता बता। सर नहीं सर, आगे से सर कोई गलती नहीं होगी सर, प्लीज। ना 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 सर नहीं। अबे तस्वीर आगे कर अपनी। रहने दो ना सर। ऐसे कैसे रहने दो? अबे तूने पैंट के पीछे रोड डाल रखी है क्या? नहीं सर। फिर ठंड की आवाज कैसे आई? सर थोड़े कमजोर है। ये भगवान ही आजकल के कमजोर बच्चे। चल ऐसे हे तसरी आगे कर। सर छोड़ दो सर। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं भाई? सर चश्मा भी ले लिया आपने मेरा, छोड़ दो। जुबान लड़ाता है। तशरीफ आगे कर अपनी। चल मार। आई आई नहीं गई, चल घर में। हाथ आगे कर लेडी गागा। हाथ आगे कर। अरे मेरे आगे कर यहाँ। मारो तो है नहीं मैंने। सर छोड़ दो ना प्लीज प्लीज सर। हाथ आगे कर। तू जा चल। हाँ भाई प्रसाद खा के आ गया स्वाद। नहीं सर बस और नहीं, अब सर बहुत ठंड हो रही है, प्लीज अब माफ कर दो। अच्छा मेरे लाल तेरे को ठंड लग रही है? तो एक काम करो, तुम्हारी ठंड का इलाज है मेरे पास। क्या सर? एक काम करो, इस ग्राउंड के 50 चक्कर लगाओ। सर नहीं सर, सर सर नहीं अब नहीं सर, प्लीज माफ कर दो सर, छोड़ दो अब। अरे ऐसे कैसे माफ कर दूं? हैं सर प्लीज सर। अच्छा तुम्हें ग्राउंड के चक्कर नहीं लगाने? नहीं सर। तो ठीक है, मेरी एक शर्त है।
क्या शर्त है सर? शर्त ये है कि तुम सबको मेरे पास फिजिकल एजुकेशन का ट्यूशन लगवाना पड़ेगा। सर फिजिकल का ट्यूशन कौन लगवाता है, वैसे भी एडिशनल सब्जेक्ट है। पिटाई से बचना है हाँ तो ट्यूशन तो लगवाना पड़ेगा ना मेरी जान। ठीक है सर लगवा लेंगे, लगवा लोगे ना भाई? अरे हाँ सर लगवा लेंगे, लगवा लेंगे। तो जाओ मेरे बच्चों। सर अब चश्मा तो दे दो। अरे चश्मा क्या मेरे बेटे, तेरी मैं चश्मे की दुकान करा दूं। थैंक यू सर। आराम से जाओ। अरे वाह लोकेश वाह, 6 बच्चे मतलब 6,000 रुपए महीना, घर वाले की साड़ी का जुगाड़ तो हो ही गया। अरे 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 भाई एक मिनट आप साइड हटो एक बार। अब बैठो भाई। अब ऐसा क्या कर दिया तूने? अरे कुछ नहीं भाई, वो बेंच थोड़ी ठंडी थी ना तो आपको ठंड लग जाती, इसलिए 2-3 बार हीट मार के गर्म कर दी भाई। अब बैठो। थैंक यू। अरे भाई तूने ऐसा क्या किया जो ये बेंच गर्म हो गई? अबे कुछ नहीं, 2-3 पाद मार दिए अपने आप गर्म हो गई, नेचुरल हीट ब्रो। रूम हीटर भाई, आपको ठंडी लगनी चाहिए ना इसलिए रूम हीटर। भाई आप कहो तो स्टाफ रूम से गर्म चाय या कॉफी मंगाऊं? भाई आप बोलो तो रजाई मंगाओ, रजाई। ब्लैंकेट, ब्लैंकेट सही रहेगा। मैम मे गो टू वॉशरूम? हाँ हाँ बेटा जाओ, वैसे भी तुम्हें कौन रोक सकता है, जाओ। अरे भाई रुको 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 रुको। अबे क्या हो गया भाई, बाहर बहुत ठंड है, आपको ठंड लग जाएगी, शॉल ओढ़ लो। शॉल और मैं? अबे ओ, इस शॉल को ना दूर रख, मेरे से मेरे टच नहीं होना चाहिए, ये बता रहा हूँ। अरे भाई अब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारे पास बहुत मस्त आइडिया है। अच्छा वे, पकड़। टच नहीं होना चाहिए बता रहा हूँ, टच नहीं होना चाहिए। अरे नहीं होगा भाई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अबे टच नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए भाई के। आओ भाई आओ। भाई सारे जेंगो कॉलोनी के रैम्बो, मारे जब एंट्री बजते एवेंजो। भाई 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 एक चीज और। अब क्या है भाई? अब स्कूल के ठंडे पानी से हाथ मत धोना, आपको सर्दी लग जाएगी। मैं आपके लिए स्पेशल गर्म पानी लेके आया हूँ, वो भी बिस्लरी का। अच्छा ओए मिकी। भाई काश अगले जन्म में मेरा बाप भी प्रिंसिपल बन गया है। लक्ष्मण तेरे बाप के चपरासी वाले भी नहीं है। अगले जन्म में भी अपने बाप को प्रिंसिपल नहीं हो, खुद मत बनियो कभी। भाई तुझे क्या पता, खुद प्रिंसिपल बनने में उतना मजा नहीं है जितना प्रिंसिपल का लौंडा बनने में। बनाओ प्रिंसिपल, निकलो क्लास में। आजकल के नल्ले बेरोजगार लड़के सीढ़ियों पे खड़े होके प्रिंसिपल बनने के सपने देखते हैं। अच्छा। मैम आज गेम पीरियड करवा दो ना। अच्छा अब गेम्स पीरियड लगवा दूं, और गर्मियों में क्या बोलते थे? बच्चों मैं सोच रही थी कि ये वाला पीरियड ना तुम्हारा गेम्स पीरियड करवा देते हैं, ठीक है? ओ मैडम हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं पे ठीक है, बाहर इतनी धूप में गर्मी में जाके कौन सड़ेगा। और अब सर्दियों में बोल रहे हो कि गेम्स पीरियड लगवा दूं, चुपचाप अपनी पढ़ाई करो। सर ये वाला पीरियड गेम पीरियड करवा दो। अब तुम पढ़ते लिखते तो हो नहीं, हाँ तुम्हें गेम पीरियड में बाहर ले चलो, चुपचाप बैठ के पढ़ लो। सर ले चलो ना, आप तो वैसे भी पीटी सर हो। हाँ पीटी सर हूँ, आप पीट देता हूँ, उधर को आ जा पढ़ ले चुपचाप। सर सर बाहर ले चलो, गेम पीरियड लगवा दो ना प्लीज सर, क्लास में बहुत ठंड है। यस सर, सर लगवा दो सर प्लीज सर। शांत हो जाओ सारे,
गेम पीरियड का तो पता नहीं, तुम्हारे दो दो चपेट जरूर लगा दूंगा। पढ़ाई करो। मैम ये तो लास्ट पीरियड है, इसमें तो बाहर ले चलो, इसे तो गेम पीरियड लगवा दो। ले चलो मैम, ले चलो, ले चलो मैम, ले चलो। चुप हो जाओ, कोई गेम्स पीरियड नहीं होगा, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। मैडम प्लीज बाहर ले चलो, यहाँ क्लास में बहुत ठंड लग रही है, आपको पढ़ाना है ना, बाहर पढ़ा लेना धूप में। प्लीज ले चलो मैडम, प्लीज 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 मैम। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो धूप में। मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी, अरे खाओ खाओ, सारे खाओ यार। अरे मूंगफली पास करना। कितने नालायक है ये बच्चे, यहाँ पढ़ाई के नाम पे आके मस्ती कर रहे हैं। छोड़ो, इन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। मैं एक काम करती हूँ, धूपी सेक लेती हूँ। यार एक खाट या फिर तख्त का जुगाड़ हो जाता ना, यही धूप में कंबल ओढ़ के सो जाता। हाँ तो बच्चों, क्या सलाह है तुम्हारी? सलाह क्या होती है सर, मैं तो रेडी हूँ, ले आओ कोई बढ़िया सरिश्ता। बनाऊं तेरे को दूल्हा? हैं सर, दूल्हा तो मैं खुद बन जाऊंगा, आप कोई बढ़िया सरिश्ता बताओ बस। सारे के सारे दांत दिखा रहे, तुम्हारे दांतों को तोड़ दूंगा। अरे मैं टेस्ट की पूछ रहा हूँ, टेस्ट की तैयारी कैसी है? सर जी बात सुनो, हमारे ना वैक्सीन लग रही है, वो भी दोनों, और वो भी कोविशील्ड, ना खांसी ना जुखाम ना बुखार, तो हमें कोई जरूरत नहीं है कोरोना टेस्ट देने की। अबे नालायक, मैं कोरोना टेस्ट की नहीं बोल रहा, मैं पढ़ाई वाले टेस्ट की बोल रहा हूँ, पढ़ाई वाले टेस्ट की। वो देने की क्या सलाह तुम्हारी? रोज रोज बोल देते हैं, कल ले लेना सर, कल ले लेना। हाँ तो सर कल की कहते तो कल लेना ना, आज तो आज है, कल तो कल आएगा। क्यों भाई लोग, सही कह रहा हूँ ना? अबे ओ, तू ज्यादा सियाणा है क्या? हैं? शायद सर, क्योंकि ये बात ना मेरे को कई लोगों ने बोल ली। चुप करके सारे अपनी कॉपी निकाल लो, मेरा पारा आई मत करो, सारे अलग अलग डेस्क पे जाके बैठ जाओ। हेलो हेलो। अरे सर सब सही तो बैठे हैं, और अलग अलग मत बिठाओ, देखो जहाँ जो बैठा ना उसको वहीं बैठे रहने दो, इतनी मुश्किल से सीट गर्म करी है, इतनी ठंड में कहीं और जाके बैठेंगे ना सर, चिल्ड है बिल्कुल नहीं नहीं। अच्छा तेरी ये समस्या है, इधर आ। आजा। अरे इधर आ। कैसी रही? हाँ अब तेरे को ठंड नहीं लगेगी, तू जिस भी डेस्क पे जाके बैठेगा सारे डेस्क तेरे को गर्म लगेंगे। सर आपका हिसाब किताब समझ नहीं आया। अरे धीरे धीरे तू सब कुछ समझ जाएगा, चल भागे से। चलो शाबाश, अपने अपने पेन उठाओ और लिखना स्टार्ट करो। सर वो ठंड की वजह से सर हाथ सुन पड़ गए सर, लिखा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। ओ हाथ सुन हो गए, आजा मेरे लाल तेरे हाथ गरम करता हूँ, आजा 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 जल्दी आ। ओ तेजी, हाथ आगे कर ली, दुकान को लाल कर दूंगा। सर भाग ऐसे, भाग भाग। सर सर मेरे पास ना एक आइडिया है, आप ओरल टेस्ट ले लो। अरे वाह बेटा वाह, शाबाश, इसी बहाने तुम्हारा आईक्यू चेक हो जाएगा। रजित बेटा आप खड़े हो, खड़े हो। मैं? हाँ बेटा हाँ। अच्छा बेटा रजित ये बता, देश को आजाद करने में गांधी जी का कितना बड़ा हाथ था? गांधी जी का इतना बड़ा ही था जी। गलत जवाब। चल तेरे को एक चांस और देता हूं, ये बता मच्छर को कैसे मारा जाए? मच्छर को? सर मर गया। अबे डोंकी, ये पांच नंबर का क्वेश्चन था और तूने ताली मार के क्वेश्चन को खत्म कर दिया। नीचे बैठ, गलत जवाब। हाँ बेटा
तू खड़ा हो जा, तू बता मच्छरों कैसे मारा जाए। सर देखो, मच्छर को मारने के लिए पहले आप लाल मिर्च और चीनी का मिश्रण बनाओ। मच्छर उसे खाने आएगा, उसको मिर्च लगेगी, फिर वो सीधा पानी पीने जाएगा। जैसे वो बाल्टी से पानी पीने जाए, उसे बाल्टी में धक्का दे दो। सर जैसे आप उसे बाल्टी में धक्का दोगे, उसे ठंड लग जाएगी, तो वो सूखने के लिए गैस के आगे जाएगा। जैसे ही वो गैस के आगे जाए, उस गैस में चुपचाप बम फेंक दो। बम से वो जख्मी हो जाएगा। जैसे ही वो जख्मी होगा, वो हॉस्पिटल में जाएगा। जैसे ही वो हॉस्पिटल गया, वहां जाके उसका मास्क आपने हटाया और मच्छर खत्म। अच्छा। अरे वाह बेटा वाह, बहुत खूब बहुत खूब, वाह। थैंक यू सर। चुप। अबे मैंने तेरे से मच्छर मारने का तरीका पूछा था, अमरीशपुरी को मारने का तरीका नहीं पूछा। निकम्मे, सारे के सारे निकम्मे मेरी क्लास में भरे पड़े हैं। अरे कोई डिस्प्रिन ला दो मेरे लिए, मेरा सिर्फ फट जाएगा। लो सर जी, एक तो 5 नंबर के पीछे मैंने आपको इतनी बड़ी कहानी बना के सुनाई और फिर भी आपको मेरा जवाब पसंद नहीं आया। अरे क्या सर, ना आपको इसकी फिल्मी स्टोरी पसंद आई, ना मेरा मच्छर मारने का देसी तरीका पसंद आया। सर हमें जीने दोगे नहीं जीने दोगे? अरे हाँ तो फिर जी लो ना, मैंने तुम्हारी कौन सी गिट्टी घोटी है। अरे जब तक तुम क्वेश्चनों के सही आंसर नहीं दोगे, तब तक मैं कैसे सही आंसर मान लूं तुम्हारे। अच्छा सर एक काम करो फिर, तो इसका सही जवाब क्या है आप ही बता दो। अरे बच्चों, मच्छर को मारने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखो, सबसे पहले तुम्हें पहननी है अपने पैर में चप्पल। वो चप्पल पहन के तुम्हें जाना है घर से बाहर, और घर से बाहर जाके तुम पकड़ोगे रिक्शा। रिक्शा पकड़ के तुम जाओगे सीधा विक्रम जनरल स्टोर पर, और वहां से लोगे तुम 15 किलो घी का कनस्तर, और वो घी तुम खाओगे घर पर आकर। आई बात समझ में? उससे तुम्हारी चमड़ी हो जाएगी मोटी और मच्छर तुम्हें काटेगा, तो साले की चोंच तुम्हारी चमड़ी में फंस जाएगी, साला वहीं के वहीं मर जाएगा। और हाँ, तुम्हें जनरल स्टोर पर कड़ा हीट रेड हीट ऑल आउट सारी चीजें मिलेंगी, वो भी उचित रेट में। आई बात समझ में? है ना कितना सिंपल तरीका मच्छर मारने का। सर ये कैसा तरीका है मच्छर मारने का, ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। अबे कौन सा तरीका, ये सर ना जरा चलाक बन के दिखा रहे हैं, और वो विक्रम जनरल स्टोर सर के साले की है। ये फालतू क्वेश्चन पूछ के अपनी किराने की दुकान का प्रमोशन ठोक रहे हैं मेरी वीडियो में बेमतलब। सर आपको क्या लगता है, आप हमें बेवकूफ बनाओगे और हम बन जाएंगे हैं? फिजूल में मेरी वीडियो में अपनी दुकान का प्रमोशन ठोक रहे हैं है? हम नहीं बनने वाले पागल, हम नहीं लेंगे आपकी दुकान से सामान, उधार तो करते नहीं हो 1 रुपए की भी। लोकेश सर, वो मेरी क्लास में ना कुछ बच्चे होमवर्क नहीं करके आए, आप एक बार चल के देखिए ना। अभी देखता हूँ मैडम, आपको भी और बच्चों को भी। हाँ, मैं तो बाद में देखता हूँ मैं। अरे यार भाई देखना कितनी ठंड पड़ रही है, पता नहीं है स्कूल की छुट्टियां भी कब पड़ेगी। यार ठंड तो बहुत हो रही है, तेरे को एक बात बताऊं, कभी कभी तो मैं टट्टी करके हाथ भी नहीं देता। अरे छी, चल शुक्ला। अरे दूर दूर भाई, यार कब तक सर्दियों में सुबह रजाई छोड़ के स्कूल आना पड़ेगा। पता नहीं यार, काश भगवान ऐसा कुछ कर दे कि आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बर्फ पड़ जाए, ओले गिर जाए। भाई मन नहीं करता यार स्कूल आने का, बहुत ठंड लगती है यार। हे भगवान, इतनी तगड़ी सर्दी पड़ जाए कि हाथ पैर दूध दही लस्सी पानी सब जम जाए, इसी बहाने स्कूल की छुट्टी तो हो जाएगी। हे भगवान जी, सर्दियों की छुट्टियां कब पड़ेंगी? हे भगवान, बर्फ पड़ जाए, टेम्परेचर माइनस में चला जाए, पर भगवान स्कूल की छुट्टी कर दो ना प्लीज। मम्मी हम स्कूल जाने के लिए रेडी हैं। हाँ मम्मी, लंच पैक हो गया हो तो दे दो प्लीज। अरे कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है क्या, न्यूज वगैरह नहीं देखते क्या, स्कूल की छुट्टियाँ बढ़ गई हैं। गवर्नमेंट का ऑर्डर आया 10 दिन के लिए स्कूल बंद रहेंगे, सर्दियों की छुट्टियाँ हो गई हैं तुम्हारी। क्या स्कूल की छुट्टी हो गई, अब स्कूल नहीं जाना? हे भगवान मजे आ गए, अब स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई स्कूल की छुट्टी पड़ गई 10 दिन की। अरे हाँ भाई मजे आ गए, मुझे तो तेरे से पहले पता लग गया था कि छुट्टी पड़ चुकी है। और हाँ बात सुन, मैडम का कॉल आएगा, उठाइयो मत, हॉलीडे होमवर्क दे देगी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही रहा भाई तूने मुझे बता दिया, फालतू मैडम का फोन उठाता मैं तो मेरे को हॉलीडे होमवर्क करना पड़ जाता। अच्छा तू ये सब छोड़िए, बता छुट्टियों में क्या करेगा? अरे भाई रोज सुबह सुबह दौड़ लगाने जाऊंगा, तू भी चलेगा ना साथ में? अबे दौड़ वोड़ देखी जाएगी, एक काम करेंगे सुबह सुबह डेली खेलने चलेंगे क्रिकेट, और शाम को सारे भाई मिलके करेंगे साइकिलिंग, ठीक है ना? सारे भाइयों को इन्फॉर्म कर दियो क्या प्लान है छुट्टियों का। अरे हाँ भाई ठीक है ठीक है, चल ठीक है मौज मारते हैं, छुट्टियां पड़ेगी सर्दियों की।
ओए भाई तू इतना मोटा कैसे हो गया छुट्टियों के बाद? यार पूरी छुट्टियों में बस सोया हूँ, कभी गज्जक कभी रेवड़ी कभी मूंगफली, और जब ये खत्म हो गया तो मम्मी ने गूंद के लड्डू डाल दिए, और गूंद के लड्डू खत्म हुए तो मम्मी ने चने के लड्डू डाल दिए। तेरे को तो पता है यार देसी घी लग जाता है फिर। सही है भाई। मैडम आ गई। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। अच्छा अब ये बताओ कि किस किस ने हॉलीडे होमवर्क नहीं किया, और जिसने नहीं किया है वो अपने हाथ ऊपर करो। लोकेश सर। यस मैडम। ओके मैडम। अबे तुम्हें याद है ना वीडियो की स्टार्टिंग में तुम्हारी कैसे सर्दी उतारी थी, अब तुम्हारी चर्बी उतारूंगा। भाइयों कौन कौन स्कूल में हॉलीडे होमवर्क करके नहीं जाता, लाइक करो और जल्दी से कमेंट करके बताओ। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।